हाँ तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके का न्यू ईयर 2025 वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं जैसा कि वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप भी स्टेप फॉलो कीजिए, आप भी ऐसा ही वीडियो जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में आपको ओपन कर लेना है कैपकट एप्लीकेशन। कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जिस भी वीडियो पर आपको यहाँ पर बनाना है उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप सिलेक्ट कर लेने बाद यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने बाद यहाँ पर सिंपल आपको उसके बाद यहाँ पर आपको एक PNG में दे दूँगा मेरे टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर दीजिएगा PNG का। PNG को ऐड कर देने बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा आप PNG को। मैं एडजस्ट कर देता हूँ। PNG को एडजस्ट कर लेने बाद यहाँ पर आपको ये PNG का जो लाइन है इसको पूरे वीडियो में लगा देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गाने को ऐड कर लेना है। मैं इस गाने का लिंक भी जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इस गाने को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। मैं ऐड कर लेता हूँ। गाने को ऐड कर लेने बाद यहाँ पर आपको गाने में बीट मार्क लगाना है। बीट मार्क आप गाने को सुन सुन कर लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पे बीट मार्क लगा लेता हूँ गाने को सुन सुन कर। उसके बाद अब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। बीट मार्क को लगाने लेने के बाद यहाँ पे बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिरिक ऐड करना है। टेस्ट पे क्लिक करके ऐड टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिख लेना है हर साल की तरह। यहाँ पे पहले में वर्ड बोल रहा है हर साल की तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आके इंग्लिश वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है उस भी फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टाइल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे फॉन्ट के साइज को यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं 9 रख लेता हूँ। और यहाँ पे फोटो वीडियो में लिरिक को एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक वाले ऑप्शन पे आके ब्लैक स्टॉक पे लगाकर वाइट को 6 पे कर देना है आपको। ग्लो पे क्लिक करके ये सेकंड वाला ग्लो करके यहाँ पे आपको इंटेंसिटी को इसके 35 कर देना है और ये रेंज को 55। इतना कर देने बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में नहीं लगाना है। शैडो पे आकर यहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट करके यहाँ पे शैडो बस इतना ही कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है। इस लिरिक को पूरे वीडियो में आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। इतना कर देने बाद यहाँ पर आपको इतना कर लेने बाद यहाँ पे आपको लिरिक को कट कर लेना है जहाँ जहाँ पे मैंने बीट मार्क लगाया है। मैं कर लेता हूँ, तब मैं आपको आगे के स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। लिरिक को इस तरह से आप काट लीजिएगा जैसे कि मैंने वीडियो में काट लिया है। यहाँ पे इतना कर लेने बाद यहाँ पे लिरिक जो पहला वाला वर्ड है इस पर क्लिक करके आपको एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन पे आकर यहाँ पे आपको इन वाले में यहाँ पे लगाना है Type 2 को, जिसका कि रेशियो रहेगा 0.6 सेकेंड। इसके बाद आउट वाले ऑप्शन पे आके एकदम नीचे आकर यहाँ पे फाइड आउट इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको भी लग अपने वीडियो के हिसाब अपने लिरिक के हिसाब से रख लीजिएगा आप। यहाँ पे 0.3 सेकेंड रखा हूँ। यहाँ पे डन कर दीजिएगा। ऐसे ही सब लिरिक में आपको लगा देना है। मैं लगा देता हूँ, तब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। सभी लिरिक में एनिमेशन लगा लेने बाद यहाँ पे आपको गाने को सुन सुन कर यहाँ पे लिरिक को भी लिख लेना है सही से। इसमें मैं लिख लेता हूँ, ऐसे मैं सब लिरिक को सही करके मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। सभी लिरिक को ऐड कर लेने बाद सही से लिख लेने बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अगर इसमें आपको कुछ और ही अच्छा इफ़ेक्ट लगाना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। उस लिए हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो इफ़ेक्ट पे आ जाना है हमें। उसके बाद यहाँ पे लेंस वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको। यहाँ पे आप देख लीजिएगा सॉफ्ट वाला वीडियो इफ़ेक्ट। सॉफ्ट वाला यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट लगा लीजिएगा, आपका वीडियो और भी अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको पूरे वीडियो में इसे फैला देना है, वीडियो को इफ़ेक्ट को। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके का वीडियो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2025 आने वाला है, इसलिए ये वीडियो आप अपने इंस्टा पर अपलोड करके बहुत अच्छा खासा व्यू ले सकते हैं सिर्फ 3 दिनों में। इसका एक हर एक मटेरियल जो इसमें मैंने यूज़ किया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो एडिटिंग एंड रील एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। गुड बाय।